हेलो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको निसान मैग्नाइट का एक्सेल वेरिएंट दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं निसान का लोगो है, ऐसी कुछ इसके अंदर ग्रिल आती है। और हेडलैम्प्स की बात करें तो ये हेलोजन नॉर्मल हेडलैम्प्स मिलते हैं, इंडिकेटर हैं, और ये ना क्रोम की स्ट्राइप है। और आप देख सकते हैं ये फॉग लैम्प है, ऐसे कुछ साइड प्रोफाइल है। अगर टायर साइज़ की बात करें तो 195/60R16 इंच के टायर मिलते हैं। और इंडिकेटर जो हैं वो ORVM पे इंटीग्रेटेड हैं, और ORVM पे पियानो ब्लैक फिनिश भी मिलती है। आप देख सकते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 205 mm का है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 40 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक है। ऐसे कुछ इसका रियर प्रोफाइल है। आप देख सकते हैं इसमें एक्सेल वेरिएंट है बेसिक ऊपर वाला, उसमें भी आपको वाइपर, डिफोगर और वॉशर मिलता है। यहाँ मैग्नाइट की बैजिंग है निसान की। और बूट की बात करें तो 336 लीटर का बूट मिलता है इसके अंदर। और इसके जो ओपनिंग है ना वो थोड़ी सी वाइड है, बहुत अच्छी लगी मुझे जो कि। और हैवी है गाड़ी, आपको पता है जैसे कि 4 स्टार की रेटिंग मिली है इसको, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है गाड़ी। और अंदर चलें तो पीछे आप देख सकते हैं स्पेस तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, स्पेस की आपको कमी महसूस नहीं होगी, आप देख सकते हैं। और पीछे जो है रियर हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है। और इसके अंदर जो सीट है ना वो फैब्रिक आती है। और पीछे आप देख सकते हैं पार्शल सेल्फ भी है। पीछे भी इसके अंदर कैबिन लैम्प है जो कि येलो कलर का है। और आप देख सकते हैं कि ना डोर ना बहुत प्रीमियम सा फील होता है, मतलब फैब्रिक सा लगा हुआ है इसके अंदर। और पीछे इसमें आर्म रेस्ट नहीं आता और ना ही इसके अंदर रियर एसी वेंट आते। और जो पीछे रियर हैंडल्स हैं इन पे हुक भी मिलता है। ऐसा कुछ इसका इंटीरियर दिखता है। तो गाइस आगे की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि आगे का जो डोर है ये कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ना चारों पावर विंडो हैं। एक्सेल ये बेसिक तो ऊपर वेरिएंट है, इसके अंदर आपको ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल्स मिलेंगे और आप इनको फोल्ड भी कर सकते हैं। और एक एक लीटर की बोतल जो है वो नीचे आ जाएंगी इस डोर के अंदर भी। इसके अंदर आपको 4 स्पीकर का ऑडियो सेटअप मिलता है। और अभी इसके अंदर ना जैसे बैटरी लो थी, ज़्यादा है नहीं, तो आपको मैं MID शो नहीं कर पाऊँगा। बाकी ऐसा कुछ इसका इंटीरियर दिखता है, देखने में थोड़ा सा बेसिक है लेकिन ठीक है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। ऐसा कुछ इसका AC दिखता है, प्रीमियम सा दिखता है जैसे टॉप वेरिएंट में आता है। और यहाँ पे थोड़ी मोड़ी जगह है और 5 स्पीड का गियर है और नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। और आपका फ़ोन रखने के लिए भी जगह है। ये आपके ऑडियो कंट्रोल्स हैं स्टेयरिंग पे, और राइट में आप फ़ोन उठा सकते हैं और काट सकते हैं। और सेफ्टी की बात करें तो इसमें SRS एयर बैग आते हैं 2। और आप देख सकते हैं जैसे कि ऐसा कुछ इसकी MID दिखती है, नॉर्मल है ये वैसे। और इसके AC वेंट है ना वो थोड़े थोड़े ना स्पोर्ट्स कार की तरह डिज़ाइन है जैसे। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो बहुत स्पेस है इसके अंदर, आपका थोड़ा मोड़ा सामान आ जाएगा, फाइल वगैरह जैसे गाड़ी के कागज़ वगैरह। और सीट्स की बात करें तो कंफर्टेबल हैं लेकिन है फैब्रिक की। AC के कंट्रोल्स हैं ये जैसे कि आप देख सकते हैं। और ऐसा कुछ इसके अंदर ये ब्लूटूथ के साथ मिलता है ऑडियो जो ये स्टीरियो है। और आगे भी कैबिन लैंप्स मिलते हैं, पीछे भी मिलते हैं और आगे भी मिलते हैं इसके अंदर। और ड्राइवर सनशेड पे मिरर नहीं है और पैसेंजर साइड पे है मिरर। और इसका कवर भी दिया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुछ इसका डे नाइट टायर भी हमें, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली नहीं है, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसके पैडल्स में ना थोड़ी सी स्पेस मेरे को कम लगी, जैसे जो रेस जैसे एक्सेलरेटर ब्रेक और क्लच का है ना वैसे। और इसका ना थोड़ा सा ऑड जगह पे है, जो ये बोनट खोलने की जगह है ना थोड़ी सी ऑड जगह पे है। और ये नॉन टर्बो वेरिएंट है, नॉन टर्बो XL। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो वैसे इसके अंदर 75 PS की पावर और लगभग 100 Nm का टॉर्क मिल जाएगा आपको। ये नॉन टर्बो वेरिएंट है, यहाँ से वॉशर फ्लूड भरेंगे। और बाकी ठीक है गाड़ी, जिनको ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। बाकी बहुत हैवी गाड़ी है, सॉलिडली बिल्ड है,
तो आपको कैसी लगी निसान मैग्नाइट हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।